तो बेहतर नहीं है सोशल मीडिया पे अगर हम दिखाएंगे तो हमारा काम दुनिया के साथ साथ चलेगा जो दुनिया में काम हो रहा है। I guess evolution बहुत important है, लेकिन कुछ मीडियम्स हैं जो कि जब उनको ठेस पहुंचती है तो मुझे बहुत दुख होता है। जिस तरह इंटरनेट जब आया तो म्यूजिक ने बहुत बड़ी हिट ली, ठीक। अब मेरे ख्याल से वो वाला जो हिट है वो सिनेमा को कह रही है, बिकॉज हर घर में ये नेटफ्लिक्स वगैरह, यू हैव सो मेनी ऑप्शंस दैट पीपल डोंट वांट टू लीव देयर हाउस एंड गो टू द सिनेमा। सो मेरे ख्याल से अब जाके सिनेमा भी थोड़ी सी हिट ले रहा है इंटरनेट की वजह से, ले रहा है। सो आई जस्ट होप कि ये चीज मोमेंटम ना पकड़े और ये ना हो कि जिस तरह म्यूजिक एल्बम्स आती थी, ह्यूज एल्बम्स, माइकल जैक्सन, गन्स एंड रोजेस, अब यू डोंट हैव स्टार्स लाइक दैट, यू डोंट हैव बैंड्स लाइक दैट। आई जस्ट होप कि इस तरह ना हो कि हमारे पास एक्टर्स इस तरह के ना रहे जो कि इतने बड़े क्राउड पुलर्स हों। जिस तरह आई हैव 40 या 50 फेवरेट एक्टर्स, ऐसे ना हो कि फ्यूचर में कोई एक्टर्स को जानता ही ना हो, सिनेमा मूवी एक्टर्स को। पाकिस्तानी ऑडियंस इतनी एरोगेंट क्यों है? स्टार्स नहीं बनाती, बहुत कंजूसी से किसी किसी को स्टार बनाती है। डू यू एग्री ऑर नॉट? आई थिंक टाइम्स आर चेंजिंग नाउ। ओके, या पहले हमारा मुकाबला पड़ोसी मुल्क से बहुत किया जाता था क्योंकि एक हमारे लिए वो एलियन हुआ करते थे, एक दूसरी दुनिया से आते थे। तो वो कहते हैं ना कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। लेकिन यार उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी और बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतर है, ये तो आप नहीं कह सकते हो। हाँ, लेकिन वही वाली बात कि अगर आप देखें जो मैंने ऑब्जर्वेशन की इन द लास्ट फोर फाइव ईयर्स, हमारी ऑडियंस थोड़ी सी एरोगेंस जो आपने कहा थोड़ी सी अब शायद कम हुई है और अपने स्टार्स को भी अब वो वैल्यू दे रहे हैं। थिंग्स हैव चेंज्ड आफ्टर माहिर एंड फवाद, आई गेस थोड़ा सा चेंज आया है बड़े अरसे के बाद। आई थिंक शान के बाद अगर कोई सुपरस्टार बना तो वो फवाद और माहिरा बने, और अब उसके आगे महवेश भी होगी, आप भी हो गए, कुबरा भी होगी, अब जरा ये हो रहा है। और जो अच्छी चीज हो रही है कि सिर्फ फेम नहीं मिल रहा अब एक्टर्स को, वो फाइनेंशियली भी बेहतर उनके सर्कमस्टांसेस हैं। या हमने तो ऐसे ऐसे फन की खिदमत की हुई। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, एक और सेगमेंट करते हैं, 20 क्विक क्वेश्चंस, और क्विक क्विक मुझे इसका आंसर देना है, एंड आई होप यू विल एंजॉय दैट। गुलाब जामुन इन्वॉल्व है हमारे? नो, इसमें गुलाब जामुन बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। हमारे लुक्स कितनी को मैं उनसे कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ। इफ यू कुड बाय एनी टाइप ऑफ फूड राइट नाउ, व्हाट वुड यू बाय राइट नाउ? पनीनी। Okay, you love panini. I do, yeah. Okay, tell me time without looking at the watch. It must be 6 right now. Almost. Okay. Almost. What will you never do? Never say never. Would you ever do a commercial for whitening cream? Do I need a whitening cream? I would never be casted, I think. No, you'll be casted. Chalo, hypothetically, kar loge. Kyun nahi karunga? बिल्जी पे करने मुझे। okay. जी। चाइना और जापान? चाइना। सैमसंग और एप्पल? सैमसंग। लास्ट टाइम यू क्राइड? लास्ट नाइट आई गेस। व्हाट हैपेंड? आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, आई गेट वेरी इमोशनल एट सॉन्ग्स, एट मूवीज, रीडिंग समथिंग। रियली? या। ओह क्यूट। ब्लैक। ब्लैक इज इट? वर्ड ब्लैक, व्हाट डज इट ब्रिंग इन योर माइंड? Mystery, darkness, emotions, aptitude, a lot of emotions. Your favorite song? Wow, that's a very hard question. I'll name you 3. November Rain, Bohemian Rhapsody, With or Without You. Oh, wow. Politics? Hate it. Hate it. Getting old? Age is just a number, I think. You sure? I hope so. Yeah. Last person you touched? Last person? I just shook your hand. Wo wala touch. What chore you hate to do? What chore do I hate to do? Dry cleaning my clothes. Oh, you can dry clean at home as well? Nahi, jana hota hai na, jaake. Oh, okay. Achha, mujhe bartan uthana khane ke baad. God, I hate it. Achha. What is better, certificates or experience? Experience, absolutely. Theory is redundant. Redundant, useless. Okay. Yeah. Favorite hideout place? My bedroom. Favorite vacation place? Phuket, Bangkok. What's your nickname? EI. Yeah.
Last film you watched? Last film I watched was Notting Hill. I rewatched it. Okay. Mm. If you could win any award, what would it be and why? What would it be and why? I think bada mushkil question hai ye. I just want to encourage people. I believe we have so much negativity, discouragement. क्रेडिट नहीं देना अपने लिए नहीं चाहिए कि मुझे भी कोई इनकरेजमेंट मिले अवार्ड्स मिले हाँ लेकिन वो तो फिर उसी के थ्रू में देना चाहता हूँ आई वुड लाइक टू हैव एन अवार्ड फॉर इनकरेजमेंट फॉर इनकरेजिंग पीपल टू टेल देम दैट दे हैव द सुपर पावर टू ड्रामेटिकली चेंज द कोर्स ऑफ देयर लाइव्स रियली या ओके बड़ा ही तुम तो स्मार्ट जवाब दे रहे हो मुझे बड़ी बात है अच्छा मॉडलिंग और एक्टिंग एक्टिंग Three things that annoy you on the set. High set पे तो बड़ी चीज़ें होती हैं. Three things that annoy me on the set. I think unprofessionalism, fazool ke tantrums, and disrespect. Favorite female co-star. अभी तक जितना काम किया. Who did you really enjoy working with? Mahira, of course. Mahira ke saath kis I've done two commercials with her. Okay. So she's a very fun-loving. We get along really well. So yeah. Okay. Inappropriate experience in modeling? Oh. Inappropriate experience hamesha rahenge aapke saath. I mean, recently I was shooting a Bangkok mein commercial and जो क्रिएटिव साइड हैंडल कर रहे थे वो हमारे पड़ोसी मुल्क के डायरेक्टर्स थे एंड पड़ोसी तो बड़ा सड़के बोला है बिकॉज इफ्फत मैंने इतना पेशेंस अपनी जिंदगी में नहीं दिखाया जितना मैंने इस सेट पर दिखाया व्हाट हैपेंड अ लॉट ऑफ डिसरिस्पेक्ट अ लॉट ऑफ डेरोगेटरी काइंड ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स पाकिस्तानी तू लॉरी लड़का ये सब सह के आ गया उसको सुन नहीं मारा मैं वही बता रहा हूँ आपको बहुत पेशेंस दिखाया तो आई वॉज प्राउड ऑफ माई सेल्फ मैंने बहुत पेशेंस दिखाया बिकॉज मैं उनके लेवल पे गिरना नहीं चाहता था या सो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर तो आपके साथ हमेशा रहेगा और वो वाला इनअप्रोप्रिएट पासेस हाँ हुए थे बैंकॉक में नहीं हुए नहीं नहीं जिंदगी में वो वाले जो मेल मॉडल्स को होते एक्टर्स को शायद ज्यादा होते हैं एक्टर्स को ज्यादा होते हैं आपने अभी तो कहा आपकी फीमेल फॉलोइंग बहुत ज्यादा वो तो है नहीं तो हाउ डू यू डील विद इट अगर कोई इनअप्रोप्रिएट बात करता है गुस्सा चढ़ता है कि यू जस्ट इग्नोर इट और यू जस्ट आई थिंक इट्स बेटर टू इग्नोर आई थिंक जितना आप अपने ऊपर इस टाइप की चीजें जो कि बिल्कुल ट्रिवियल है जो कि बिल्कुल आपको नहीं अफेक्ट करना चाहिए तो आई थिंक इट्स जितना ऑब्वियसली आप लर्न करते हो इन चीजों से एवरी इंटरेक्शन मेक्स यू लर्न समथिंग तो दो लोग जिनको तुम एक रिमोट आइलैंड पे अपने साथ लेके जाना चाहते हो एक्सेप्ट योर फैमिली वो तो जाएंगे जाएंगे अच्छा उसके अलावा एनीवन इन द वर्ल्ड ना एनीवन इन द वर्ल्ड एनीवन इन द वर्ल्ड हां वाओ हू बड़ा मुश्किल क्वेश्चन गुलाब जामुन खा सकता हूं मैं यहां पे नहीं इसमें माफी है गुलाब जामुन ना खाओ लेकिन इस पे गुलाब जामुन मुझे दे मतलब एंजेलिना जोली को भी ले जा सकते हो मुझे इस पे गुलाब जामुन दे देना एक तो ले जाने भी दो हैं एक नहीं आई एम हैविंग अ गुलाब गुड 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 अच्छा जी अब मुझे ये बताएं इमाद ने अपनी पहली फिल्म कर ली है गुलाब जामुन खाओ और उस फिल्म के बारे में बताओ ओके ऑल स्टार्टेड विद अ फोन कॉल जैसे होता है ताहिर महमूद उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया कि वो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट इन इस्तांबुल में काम करते हैं और वो एक स्क्रिप्ट है उनके पास जो कि उस पर वो फिल्म बनाना चाहते हैं जो कि जिसका प्लॉट है खिलाफत मूवमेंट 1920 में पंजाब से एक मुहिम निकली थी जिसने हमारे टर्किश मुसलमानों की बहुत मदद की आई नो अबाउट दैट मूवमेंट लेकिन अब खिलाफत का दूर दूर तक कोई वो नहीं रहा लेकिन अब बनाने की जरूरत क्या थी इसकी आई थिंक जिस तरह उन्होंने 4-5 साल इस्तांबुल में गुजारे तो इंस्पिरेशन उनकी वही होगी पाकिस्तान और टर्की की दोस्ती सो वो उन्होंने देखा बहुत क्लोजली देखा कि पाकिस्तानी इसको इतने क्यों इज्जत दी मेरे ख्याल से वाहिद मुल्क है जो हमारी इज्जत करता है तो क्या रोल है उसमें उसके अंदर एक एक ऐसे नौजवान का रोल है जो कि बहुत केयर फ्री है लेकिन हालात उसे तोड़ेंगे और वहां से फिर वो खड़ा होगा और फिर अपने अपने हालात का सामना करेगा इट्स कैरेक्टर के बारे में अगर कहूँ तो इट्स कैरेक्टर अबाउट
getting over your circumstances, rising above your circumstances, and finding your circle, finding your true self, finding your who you are. Arre wow. Yeah. And who's your female lead? There's absolutely no romance in it, so there's not a lead, lekin the cast jo ke all log hain usme Kavi saab, mm-hmm. who I learned a lot from, jinke saath he's an institution, unke saath baitha. Oh, and what a lovely person. Yeah, what a lovely person. I swear. Yeah. Yeah, I learned a lot, not just in acting, lekin as a person from him, ke itna humble banda, itna achieve karne wala banda bhi itna giving ho sakta hai. Uske alawa Ghana Ali hai. Aur baki there are a lot of characters, lekin Rehan Nazim hai, ek Miraj band ke lead vocalist hai, he's also playing that. So, saath aat, ye as such wo nahi hai ke hero oriented ho, lekin it's a drama, it's a period drama.